पथरी, पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं, ये याद रख, कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं? एक दवा है पत्थर तोड़ दवा, क्या बोलते हैं आप उसको? पाखंड भेद। शोभा कांत जी के यहां वो दवा है पाखंड भेद, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप इसका काढ़ा बना के पिए, ये जो पाखंड वेद है ना, इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के, और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है, और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस, बर्बेरिस वल्गेरिस। पाखंड वेद का बोटेनिकल नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा, वो पूछेगा कैसे दू, तो कहना मदर टिंचर में दो। ये कोई भी घर में रखिए आप, बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए, तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी, डार्क कलर की भी हो सकती है। इसकी 10-10 बूंदें चौथाई कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार पिलाएं, एक महीने सवा महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाए। और नहीं तो पाखंड वेद जो दवा मिले आयुर्वेद की, उसका काढ़ा बना के 15-20 दिन ले लें। काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को, बर्बेरिस को समय ज्यादा लगता है। अब इसका जरा देखो, एक और इसमें बता देता हूं कि ये जो बर्बेरिस है, ये जो औषध है बर्बेरिस, क्यों ये पत्थर तो तोड़ के निकालती ही है, ये एक और बीमारी में बहुत काम आती है। पत्थर जो दो जगह होता है आपको मालूम है, या तो किडनी में या तो पित्त की थैली, पित्त की थैली में। यही औषधि पित्त की थैली का जब कैंसर होता है उसमें भी यही काम आते है। पित्ताशय का कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, उसमें भी यही काम आते है। और ये औषधि कावड़ में भी काम आते है, कावड़ माने जॉन्डिस। बच्चे का है तो औषध कम कर देना, 10 फ्रेम का 5 फ्रेम कर देना, सब बहुत प्रभावी है। रक्त कैंसर जो है ना गॉल ब्लैडर का, किसी से ठीक नहीं होता, वो इसी से ठीक होता है। गॉल ब्लैडर के कैंसर के सब केस को डॉक्टर वापस कर देते हैं कि भगवान का भजन करो बस, कभी भी मरोगे। और ये औषधि में इतनी ताकत है, कोई भी उपाय नहीं। हाँ, अब जिनको स्टोन बार बार बनता है उनको एक तो चूना तो नहीं ही खाना, फिर क्या करना है वो आप चाहे तो लिख लीजिए। एक मेडिसिन मैं बताता हूँ, होम्योपैथी की है वो, आपको किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिलेगी, उसका नाम है बर्बेरिस। अंग्रेजी में एबी भी होता है ना, एबी, तो BERBERIS, BERBERIS, बर्बेरिस, ये एक शब्द है। इसके बाद आगे एक और शब्द है वल्गेरिस, उसमें दूसरा वाला बी है, VULGARIS, बर्बेरिस वल्गेरिस। आगे लिख देना है मदर टिंचर, मदर टिंचर, ये उसकी पोटेंसी है, वो दुकान वाला समझेगा, वो आपके लिए नहीं। अब ये दवा लेनी है 15 बूंदें 1/4 कप पानी गुनगुना, उसमें 15 बूंदें इस दवा की डालनी है, और दिन में 3-4 बार पीना है, सुबह दोपहर शाम रात 4 बार, अधिक से अधिक कम से कम 3 बार, लगातार 1-1.5 महीने, कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। तो जितने भी स्टोन्स हैं कहीं भी हों, गॉल ब्लैडर में हो या तो किडनी में हो या यूरेथ्रा के आसपास हो, मूत्रपिंड में हो, वो सभी स्टोन को डिसॉल्व करके ये निकाल दें। चौथाई पानी, चौथाई कप गुनगुना पानी, 10-15 बूंदे 4 बार लेना है, 1-1.5 महीने लगातार लेना, 2 महीने भी ले सकते हैं, इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं। लगभग मैंने देखा है 99% केस में 2 महीने में ही सब टूट के निकल जाता है, कभी कभी 3 महीने भी हो सकता है लेना पड़े। तो आप 2 महीने के बाद एक सोनोग्राफी करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना टूट गया है, कितना रह गया है, थोड़े दिन और ले लीजिए। और उसके बाद एक दूसरी दवा जरूर लिख लीजिए। ये तो है जब टूट के निकल गया, दोबारा भविष्य में कभी ना बने उसके लिए एक दवा लिख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को बार बार टेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशन। एक बार टूट के निकल गया बहुत अच्छा, अब कभी दोबारा नहीं आना चाहिए, उसके लिए एक दवा है CHINA, चाइना, CHINA, और उसके आगे लिखना है 1000,
1000 नंबर, ये लिक्विड फॉर्म में दवा ले लीजिए, इसकी दो दो बूंद सीधे जीभ पर डाल दीजिए सुबह दोपहर शाम, बस एक ही दिन में 3 बार दे दीजिए, फिर भविष्य में कभी भी दोबारा स्टोन नहीं बनेगा। नहीं, पहले बर्बेरिस लेना, पूरा स्टोन आपका निकल जाए, उसके बाद आप चाइना लेना है। स्टोन है ही नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करिएगा। 2 साल में 1 बार होता है स्टोन, वो ले लें, पहले बर्बेरिस लें, स्टोन निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद चाइना। जैसे 2 साल में 1 बार बन गया, तो दवाई ली और वो निकल गया। हाँ, फिर उसके बाद चाइना 1000 की 3 डोज ले लीजिए। चाइना 1000 लेने के बाद क्या लेने का जो वो है कर सकते हैं? एक ही दिन लेना है, 3 बार लेना है, 2-2 ड्रॉप सीधे जीभ पर डालिए सुबह दोपहर शाम। बर्बेरिस 3 महीने तो मैक्सिमम हो गया, एटमोस्ट हो गया, एटलीस्ट 2 महीने। एक ही दिन लेना है, 3 डोज, बस वो सफिशिएंट है अभी।